एक पेड़ ऊपर टोनी चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी। वो अपने घोंसले में अंडों से चूजे निकलने का बेसब्री से इंतजार करते हुए दिन रात टोनी चिड़िया अंडों को गर्मी देती थी। तू अंडों का ध्यान रख, मैं खाने का इंतजाम करता हूँ। मैं इस जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूँ। मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं उसे तहस नहस कर दूंगा। मैं ये सारा जंगल नष्ट कर दूंगा, एक पेड़ भी नहीं छोड़ूंगा। मुझ पर दया करो, भगवान के लिए इस पेड़ को छोड़ दो। मैंने इस घोंसले में अंडे दिए हैं, जिनमें से बच्चे निकलने ही वाले हैं। मैं इन अंडों को लेकर कहीं जा भी नहीं सकती। तेरे बच्चे जिए या मरे मुझे उससे क्या, मैंने जो एक बार कह दिया सो कह दिया, अब मैं ये पेड़ तोड़कर ही रहूंगा। बेशरम, तूने मेरे बच्चों को मार दिया, भगवान तुझे इसकी सजा देगा। मैं तुमसे इस सब का बदला जरूर लूंगी। एक छोटी सी चिड़िया मुझ जैसे ताकतवर से बदला लेंगी। ये सब किसने किया? पागल गेंडे ने अपना घमंड और ताकत दिखाने के लिए सारा जंगल तहस नहस कर दिया और मेरे प्रार्थना करने के बाद भी मेरे अंडों को फोड़ दिया। मुझे उसका बदला लेना है। उसे उसकी सजा मिलनी ही चाहिए और हम अकेले बदला नहीं ले पाएंगे। एक काम करते हैं, अपने दोस्त कौवे के पास जाते हैं। पक्षी और मेंढकों की मदद चाहिए। देखो दोस्त, उस गेंडे को सजा मिलनी ही चाहिए। वो हमें बहुत छोटा समझता है, उसे अपने ताकत का घमंड है ना। हम सब मिलकर उसका घमंड तोड़ देंगे। तुम सब बस मेरी ही बताई तरकीब से काम करना, ठीक है? हाँ, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। हम उसे ऐसा मजा सिखाएंगे कि वो कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं कर पाएगा। चलो। योजना के अनुसार यही रुक जाते हैं। बस मधुमक्खियों का अपना काम करना है। ला 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 ला। अरे वाह, कितना मधुर संगीत है। मैंने ऐसा संगीत कभी नहीं सुना, इतना मीठा कि मंत्र मुक्त हो गया। ओए, मैं मर गया, कोई बचाओ मुझे, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, दर्द से मेरी जान निकल रही है, कोई मेरी मदद करो। टोनी चिड़िया की इतनी विनती करने के बाद भी तुमने उसके अंडे फोड़ दिए, तो कोई तेरी मदद क्यों करेगा? मुझे तेरी मदद नहीं चाहिए, मैं सबसे ताकतवर हूँ, मैं अपनी मदद खुद कर लूंगा। एक बार ठीक हो जाओ तो तुम्हें भी मार दूंगा। सब मिलकर टर्राओ, उस पागल गेंडे को लगेगा कि ये तालाब है। मेंढक टर्रा रहे हैं, यानी तालाब यही है। अभी अपनी आंखें ठीक करके सभी की खबर लेता हूँ। देखो मेरी अकल का कमाल, मुझसे ताकतवर और अकल में कोई नहीं जी सकता। अरे ये क्या, ये तो दलदल है, मैं तो फंस गया, निकल ही नहीं पा रहा हूँ। इस मेंढकों ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया, सबकी मिली भगत है। एक तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा, मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, यहाँ से मुझे बाहर निकालो। तूने यही कहा था ना, एक छोटी चिड़िया मुझ जैसे ताकतवर से क्या बदला लेगी? मुझ पर दया करो। तूने हमारे अंडे फोड़ दिए, हमारे बच्चों को मार दिया, अब तुझको दया नहीं आई हम पर? बहुत घमंड था ना अपनी ताकत पर, अब दिखा अपनी ताकत, जैसी करनी वैसी बननी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एकजुट होकर काम करने पर हम बड़े से बड़ा, बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं।